I strongly support this bill. Ab jaag jayegi Jammu Kashmir ki hill. Ab atankwad ho jayega neel. इसलिए मुझे अच्छा हो रहा है आज भी. आज का दिन नहीं है काला. डिप्टी चेयरमैन सर, आज का दिन नहीं है काला, इसलिए मैं पहनाता हूं नरेंद्र मोदी और अमित शाह को फूलों की माला. अब अलगतावादियों के मुंह को लग जाएगा ताला. अब अलगतावादियों के मुंह को लग जाएगा ताला और आतंकवाद का साफ हो जाएगा नाला. खत्म हो रही है 370 धारा. खत्म हो रही है 370 धारा. अब आतंकवाद पर हो जाएगा जबरदस्त मारा. भारत जिंदाबाद का अब वहां गूंज जाएगा नारा और जाग जाएगा जम्मू कश्मीर सारा. तो सर, ये जो आज का बिल है, ये बहुत दिन पहले ये बिल आने की आवश्यकता थी. एक तो भारत को जब आजादी मिली 1947 में, तो सब लोग इतिहास जानते हैं कि हरि सिंह राजा के कब्जे में ये इलाका था और अचानक पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया और कश्मीर का 1/3 इलाका अपने कब्जे में ले लिया. तब हरि सिंह राजा और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी में जो मतलब बातचीत हुई, एग्रीमेंट हुआ, उसके मुताबिक मतलब जम्मू कश्मीर को भारत से जोड़ने का निर्णय हो चुका. और आप लोग जानते हैं कि तब गोपाल स्वामी अयंगार जी ने संघीय संविधान सभा में धारा 306A, जो बाद में धारा 370 बनी, इसका प्रारूप मतलब किया था. और इसीलिए जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों से अलग अधिकार में मिला था. तो मुझे लगता है कि ये क्या है अधिकार. तो भारत के अन्य राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते है. वित्तीय आपातकाल लगाने वाली धारा 360 भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होती. जम्मू कश्मीर का अलग झंडा है. भारत की संसद जम्मू कश्मीर में रक्षा, विदेश मामले और संचार के अलावा कोई अन्य कानून नहीं बना सकती है. धारा 356 लागू नहीं होती है. राष्ट्रपति के पास जो संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं. कश्मीर की कोई लड़की किसी बाहरी से शादी करती है तो उसकी कश्मीर की नागरिकता छीन जाती है. इसी तरह मतलब जो बंधन है, तो 300 धारा को खत्म करने का मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर को, लड़ाख को भारत से जोड़ना है. भारत से तोड़ने का ये काम नहीं है. और मैं कांग्रेस पार्टी से अपेक्षा करता था कि भाई कांग्रेस पार्टी इसका सपोर्ट करेगी, लेकिन अभी इसका विरोध करने से भी आपको वोट मिलने वाला ही नहीं है उधर. मतलब कांग्रेस पार्टी को अगर देश की एकता के लिए या कोई मतलब इस 370 धारा लगाकर या मतलब वहां जो यूनियन टेरिटोरी का निर्णय लेने के बाद उनको भारत से अलग करने की भूमिका नरेंद्र मोदी जी अमित शाह की नहीं है, तो वहां का आतंकवाद खत्म होना चाहिए, वहां के लोगों की रक्षा होनी चाहिए, वहां की इकोनॉमी डेवलप होनी चाहिए, वहां के बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए और भारत के साथ जम्मू कश्मीर में हमेशा के लिए रहना चाहिए. इसी तरह मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है, लद्दाख में बुद्धिस्ट ज्यादा है, जम्मू में हिंदू ज्यादा है और कश्मीर में मुस्लिम ज्यादा है, और हमारी सरकार मुस्लिमों का विरोध नहीं करती है. कश्मीर हमारा सिर है. एक सिर हमारा तोड़ने का काम पाकिस्तान ने किया है. हमारा 1/3 सिर उन्होंने तोड़ा है और इसीलिए मुझे लगता है कि अभी ये तो निर्णय हो चुका है, 370 कलम लगाकर जम्मू कश्मीर लड़ाख को भारत से जोड़ने की मतलब एक प्रक्रिया जो है ये एनडीए सरकार ने पूरी की है, मोदी सरकार ने पूरी की है. इसीलिए उनके ऊपर कोई अन्याय बिल्कुल नहीं है और वहां के लोगों पर बिल्कुल अन्याय होगा नहीं. वहां टाटा बिरला मफतलाल बजाज जैसे लोगों को बताएंगे कि वहां जाइए, कारखाने निकालो और वहां के बेरोजगारों को रोजगार दीजिए. इसी तरह का काम हम चाहते थे और राम गोपाल जी आपसे भी अपेक्षा थी कि आपने इधर सपोर्ट करने की आवश्यकता थी. बहुजन समाज पार्टी ने सपोर्ट किया, आपकी क्यों क्यों नहीं कर रहे. मतलब बीएसपी का और हमारा ज्यादा नहीं जमता है, थोड़ा आपसे थोड़ा जमता है.
लेकिन आपने सपोर्ट, ठीक बात है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी, मतलब आपका कहना है कि भाई ये थोड़ा बिल आपने जल्दी क्यों लाया, तो जल्दी जल्दी काम नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, मतलब जल्दी जल्दी काम करना है तो दो दिन बाकी है और इसीलिए बिल लाया है इसको, कि किसी को मतलब अलग रखने की बात बिल्कुल नहीं है, तो इसीलिए जो मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है और बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के मुताबिक ही ये मतलब जो नया कानून है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने नया कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को दे दिया है और उसके मुताबिक इस कलम को हटाकर जम्मू कश्मीर को मजबूत करने की भावना से ये बिल लाया है। या कोई पांडेचेरी को तमिलनाडु में जोड़ने का विषय बिल्कुल नहीं है, तमिलनाडु पांडेचेरी को मतलब अलग स्टेट का दर्जा दे दिया है, अभी यूनियन टेरिटरी वहाँ करने से और वहाँ के लोगों की रक्षा करने के लिए, वहाँ का आतंकवाद खत्म करने के लिए ये निर्णय ले लिया है, इसलिए मैं इस जो बिल लाया है अमित शाह जी ने, इसका मैं मेरी पार्टी की तरफ से पूरा सपोर्ट करता हूँ और कांग्रेस पार्टी को अपील करना चाहता हूँ कि गुलाम नबी आजाद जी वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं या कि हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में उनका बहुत ऊपर का पद है और अभी अध्यक्ष के बारे में मतलब आपको जो अपोजिशन लीडरशिप भी मिली है तो अच्छी बात है, तो इसीलिए आपके बारे में हमको आदर है और आपको मतलब आपका नाम आजाद है तो जम्मू कश्मीर लड़ाक को आजाद करने की भूमिका हमारी है, हम कोई जम्मू कश्मीर पर कोई आतंक मतलब उधर कोई इमरजेंसी नहीं लगा रहे हैं, वहाँ के लोगों की रक्षा हमको करनी है और इसीलिए ये बिल लाया है, तो आपके तरफ से भी इसका सपोर्ट होने की आवश्यकता थी और आप लोग मतलब वेल में बैठे थे तो बहुत देर तक वेल में बैठे, लेकिन कितना टाइम बैठेगे मतलब एक घंटा बैठे तो नहीं, ठीक बात है, आपको अधिकार है वेल में बैठने का, आपको अधिकार है। तो इसी तरह मैं आखिर में इतना ही बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 370 कलम को हटा दिया है, नरेंद्र मोदी सरकार ने 370 कलम को हटा दिया है और अमित शाह ने कांग्रेस वालों को कुछ टाइम तक वेल में बिठा दिया है और भारत के भारत के लोगों की जो भावना थी, जो मतलब ये अलग 370 नहीं होना चाहिए, उसको हमने मिटा दिया है और पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वालों का नाक कटा दिया है, तो ये काम हम लोगों ने किया है, इसलिए मैं ये बिल का पूरा समर्थन करता हूँ और भारत मजबूत रहेगा, जम्मू कश्मीर हमारे साथ रहेगा, जम्मू कश्मीर एक भी आदमी पर आंच नहीं आने देंगे, जो आतंकवादी नहीं है उसका संरक्षण करेंगे और जो आतंकवादी है उसको जेल में डालेंगे और ये काम करने के लिए ये मतलब हमारा कलम आया है और इसीलिए मैं अमित शाह साहब का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने एक बिल बहुत अच्छा लाया है और देश की एकता को हमको मजबूत करना, इसीलिए मैं मेरे पार्टी की तरफ से इस बिल का समर्थन करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर और लद्दाख। मित्रों, I was a little disturbed in the morning because such an important bill, I wanted that every section should express their views, whether in support or against, that is up to you, and then send a message to the country that we had a very meaningful discussion. But unfortunately, for whatever it is reason, I don't want to go it for some time. That could not happen. Subsequently, I am happy the House again, all parties have realized and they are all expressing their viewpoint. So, though the time is over, now I have decided that I will give some time to some of the people who want to speak now. And of course, I got some names, like important name like Kapil Sibal from Congress. And if any other person is left out, they can send, not four or five people from the same party. If any party, any individual, any group is left out, they can send a slip to me. I'll go through it also. And then one or two ministers also want to speak. If at all we give permission, that I will call them also. Now we will take up Sri Kapil Sibal. Thank you, Mr. Chairman, for giving me this opportunity. You will have 7 to 8 minutes. Yes, sir. I will finish in 7 to 8 minutes. That's what you suggested. That's why I agree. Very kind of you, sir. Very kind of you. Sir, today is not a day to go back.